हरियाणा के करनाल में नूर महल पैलेस होटल के सामने रविवार को विंटेज गाड़ियों की नुमाइश लगी। इनमें 1930 और 40 के दशक की कारों से लेकर 60 और 70 के दशक वाले वेस्पा स्कूटर और रॉयल इनफील्ड तक शामिल थे। इस हफ्ते के अंत में इन गाड़ियों की रैली निकलेगी। नॉर्मल होटल ने दूसरी बार ये आयोजित किया है विंटेज कार रैली। तो पिछली बार जैसे कि विंटेज कार थी, इस बार विंटेज कार के अलावा मोटर बाइक्स भी हमने इंक्लूड की हैं। तो काफ़ी आप जैसे देख सकते हैं कि अर्ली 90s की 1919 की बेंटले हैं, जैसे वो सिट्रो कार है, जीप है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ काफ़ी विंटेज मोटर बाइक्स जैसे वेस्पा है, रॉयल इनफील्ड है, 1966 की इनफील्ड है। विंटेज गाड़ियों में एक बिलीज जीप भी थी। जीप के मालिक के मुताबिक इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में हुआ था। दिस इज द विली जीप 1960। क्या खासियत इसकी? इसकी खासियत ये 4x4 है, पेट्रोल इंजन है, हुरिकेन इंजन है, पेट्रोल जीप है, और अपना सेकंड जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की उसमें इसने अहम रोल अदा किया है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। कौन से साल में ये आप बता रहे हैं जो भारत पाकिस्तान 1971 या 72 में हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट, इट वाज द मेन पार्ट लाइक फॉर द आर्मी ना। विंटेज गाड़ियों को देखकर लोग रोमांचित थे, वे देश के ऑटोमोबाइल इतिहास से रूबरू हुए। बहुत ही अच्छा लगा सर, हमारे करनाल में ऐसा इवेंट काफी दिनों बाद हुआ है, तो देख के काफी अच्छा लगा। सारी हेरिटेज गाड़ियां आई हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और फोटो वगैरह क्लिक करवाई आपने? हाँ सर, बिल्कुल किया है, बच्चों को भी लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा उनको लगा यहाँ पे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए? सर बिल्कुल होने चाहिए, हमें इसके बारे में अपने जो पास्ट में क्या हमारा कल्चर था उसका भी हमें पता चलता है, लेकिन अच्छा लगता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लकीली माय फ्रेंड ओन्स द कार एंड आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड। आज तक वीडियोज ही देखी थी, कभी रियल लाइफ में देखा नहीं, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट एंड राइड वन दिल्ली से पूरा यहाँ तक। इट्स बीन अ होल अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इससे पहले विंटेज गाड़ियों की रैली को दिल्ली में हरी झंडी दिखाई गई थी।